तो सुबह सुबह हम लोग 4:30-5 बजे लगभग उठ गए थे। अभी नवरात्रि के पहले जो महालया होता है बंगालियों में, तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम लोग मालेगांव जाएंगे और आपको रास्ते का व्यू दिखाएंगे कि आशाम गुवाहाटी में महालया में कैसा लोग होता है, कैसा भीड़ होता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहे। और ये देखो सुबह सुबह सभी उठ गए, आपको दिखाते हैं। ये देखो बच्चा लोग खेल रहा है और उस तरफ बहुत सारे लोग उठ गए। सुबह 5 बज रहे हैं अभी और आसमान देखो कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है और पंछी वगैरह भी उठ गया है। और ये देखो पूरा माहौल, सभी लोग उठ गए घूमने के लिए, सभी लोग घूमने जाएंगे। और ये हमारा पड़ोसी है, इस घर में रहते हैं, ये देखो हाय बोल रहा है। तो अभी हम लोग घूमने जाएंगे, तो रेडी वगैरह हो गए, तो चलो सुबह 5:30 बजने को ही है, तो अभी चलते हैं। तो यहाँ आप रास्ते का व्यू देख सकते हो, मॉर्निंग में 5:30 बजे और रास्ते में ट्रैफिक जाम लग गया था ट्रेन की वजह से। और ये देखो सामने तो ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग उठे, कोई कोई नहीं उठे सुबह, तो काफ़ी ज़्यादा जो रास्ता है वो खाली था। और वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन आज देखो बहुत रास्ता खाली है एकदम, कोई भी ट्रैफिक बिल्कुल जाम नहीं है। बहुत मस्त लगा वेदर और काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम था, बारिश का ऐसा बारिश का भी मौसम था पूरा, बहुत लेकिन बारिश नहीं आया, बादल छाया हुआ था आसमान में। और ये रहा कामाख्या गेट, अभी आसाम का बहुत ज़्यादा फेमस एक टेम्पल है कामाख्या टेम्पल। तो यहाँ से होके हम सीधा जा रहे हैं, आप रास्ते का व्यू देख सकते हो। और यहाँ आके फाइनली जाम लग चुका है और अंदर जो है गाड़ी वगैरह घुसने नहीं दे रहे थे, तो साइड में हम लोगों को पार करके फिर चल के जाना पड़ा काफ़ी दूर, आधा घंटा दूरी पे हम लोगों को चल के जाना पड़ा। और यहाँ देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेन है, तो यहाँ पे मूर्ति वगैरह बनता है और देखिए सबको कितना ज़्यादा भीड़ है रास्ते में। और यहाँ पे जलेबी, फिर बहुत सारे नमकीन वगैरह बिक रहे हैं साइड में, तो हम लोग आते टाइम जलेबी बुंदिया फिर नमकीन बहुत सारा ढेर सारा खरीद के लेके आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम लोग धीरे धीरे नदी की ओर जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस नदी है शाम का ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत जानी मानी रिवर है, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ज़्यादा भीड़ था कि क्या ही बोले। और ये देखो रिपोर्टर लोग कैमरा लेके आ गए जो आसाम न्यूज में जो लाइव वगैरह करते हैं, रिपोर्टर लोग आ गए कैमरा लेके यहाँ पे रिपोर्ट कितना भीड़ है कितना नहीं, मतलब भयानक भीड़ है अंदर भयानक। आगे चलो फिर आपको दिखाएंगे कि भीड़ किसको बोलते हैं, कितना ज़्यादा भीड़, मतलब भीड़ में हम लोगों को आधा एक घंटा, ये तो हम लोग बहुत जल्दी जाके बहुत जल्दी आ गए, लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा था कि एक कदम जाओ फिर 10 मिनट रुको, फिर एक कदम बढ़ो फिर 15 मिनट रुको, ऐसा करते करते पूरा हम लोग एक घंटा लाइन पर रुकना पड़ा। और पसीने से लुटपुट हो चुके थे, इतना पसीना गर्मी की वजह से पीछे से भरने का आवाज भी आ रहा था, फिर तय करके दिमाग तक दही हो गया था। और वैसे मौसम ठंडा था इतना ज़्यादा कि कष्ट नहीं हुआ, अगर गर्मी हो जाता तो हालत ख़राब हो जाता। तो यह देखो हम फिर से लाइन पे लगे, अभी तक रिवर में पहुँचे नहीं है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ पे अभी तक गए नहीं है, तो लाइन पे खड़े धीरे धीरे करके जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो बहुत सारे साइड में गरीब लोग बैठे हैं, कोई हेल्थ के लिए कोई चावल दे रहा है, कोई पैसा वैसा दे रहा है, और यहाँ पे तर्पण हो रहा है। जो मृत व्यक्ति का तर्पण वगैरह करते हैं ना, पानी में डुबकी लगा के उनका पूर्वजों का आत्मा की शांति के लिए तर्पण वगैरह करते हैं। तो ये रहा, फाइनली हम पहुँच गए नदी के पार, और ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारे स्टीमर वगैरह, बोट नहीं है, स्टीमर जहाज ये सब बहुत कुछ है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लगा वेदर, और बहुत हवा भी चल रहा था वहाँ पे, एकदम मस्त शांत वेदर था। आप देखते जाओ, लोग यहाँ के तर्पण कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो जो पूर्वज है उनके आत्मा की शांति के लिए कुछ नियम होते हैं बंगालियों में, तो ये सब किया जा रहा है। पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो हम बोट के सामने गए थे ऐसे जाने के लिए, लेकिन बोट बंद था सुबह सुबह, क्योंकि 10 बजे के बाद शायद खुलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का बोट है, प्राइवेट शायद नहीं यहाँ पे, तो बंद था इसलिए हम नहीं जा पाए। और भीड़ देख सकते हो, यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ लगा हुआ है। और ये देखो कोहरा पड़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी आसाम का फेमस रिवर है, और कोहरा दूर दूर तक धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा पड़ा क्योंकि ठंड का मौसम आने ही वाला है, गर्मी का सीज़न जस्ट गया है। और ये देखो पीछे बहुत सारे लोग हैं, और साइड में बहुत ज़्यादा कोहरा है, अंधेरा करके पूरा नदी साइड में पूरा पानी ही पानी है उस तरफ। और यहाँ पे जहाज़ के ऊपर मारपीट लग गया है, पता नहीं बहुत सारे लड़का लोग मिलके इकट्ठे होके बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहा था ऊपर। खरीद रहे एक मयूर का पंख 20 रुपया करके है, तो यहाँ पे हम एक मयूर का पंख खरीद लिया है। आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर आते टाइम हमने कुछ नमकीन, जलेबी ये सब खरीदा है, और माप टोल माप के दे रहे ये अंकल, तो सब मिले आ रहे थे। और यहाँ देखो आसाम का फेमस स्टैचू, ये लाचित बोरफुकन का स्टैचू है, जो आसाम के लिए बहुत स्टोरी है, अपने मामा जी का हत्या किया था लाचित बोरफुकन ने, मतलब देश के लिए वो अपने मामा का भी हत्या कर लिए थे, तो उनका बहुत ज़्यादा फेमस स्टैचू है आसाम में। तो मैं मयूर का पंख लेके घर के लिए रवाना हो गई हूँ, पराठा वगैरह खा के तभी घर के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों अब देख सकते हो कि हम लोग घर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।